वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो एमजी रिएक्शंस में। मैं हूं खाज अब्दुल मोइद। और मैं हूं जाहद खान। बिल्कुल जनाब, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ हम एक बार फिर से हैं मौजूद। और आज भी पाकिस्तानी फिल्म्स का चर्चा जो कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम भी जनाब छोटी चर्चा ज़रा करेंगे अपनी ही इस वीडियो में। और बिल्कुल वो क्यों, क्योंकि तीन फिल्म्स ऐसी आ रही हैं उसमें कुछ हमारे पसंदीदा चेहरे भी हैं। और आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना। और पहले के रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं उनका फीडबैक भी हमें ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। तो आज कुछ जनाब टीज़र्स आए हैं दो तीन, और एक ट्रेलर भी है और कुछ नए चेहरे भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग रिव्यू करते हैं कि कंटेंट अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कुछ और वीडियोस भी नज़र आएंगी जो कि हम उसी कंटेंट पर कह रहे हैं। तो मेरे हाथ से अभी हम जिस टीज़र की जानिब से है वो है जाहिद अहमद, आपके बड़े फेवरेट हैं, और सबा कमर। तो आपके भी ये दोनों फनकार बड़े पसंदीदा हैं, मेरे भी हैं। और हाँ। इनकी फिल्म आ रही है घबराना नहीं है, तो आपने भी बिल्कुल घबराना नहीं है। हम तो पहले ही बिल्कुल नहीं घबराते, तो फिल्म वाले भी यही कह रहे हैं कि आपने घबराना, तो हम इनका टीज़र देखते हैं फिर उसके बाद बात बिल्कुल, बारे ये में बात मेरे करते जो हैं। रिएक्शंस होंगे जनवन होंगे, और मोहित तो के मेरे कौन जो से है नकली हैं, मेरे भी क्योंकि आपने अपने देखा हुआ है ना अच्छा टीजर, मैंने नहीं मुझे देखा क्या है। शायद मेरे नकली चाइना के चलें जनाब हम लोग रिव्यू करते हैं। बी जे जे बी फिल्म जियो की है। क्या कुछ नहीं सोचता इंसान, कैसे कैसे सपने देखता है। जबरान सोहेला मान नया रिजाज अच्छा, जियो का वो रिपोर्टर भी बीच में आया था। घबराना नहीं है। बिल्कुल जनाब घबराना नहीं है, और ईद उल फितर पर ये फिल्म आनी है। लेकिन इसका भी ये टीज़र ट्रेलर भी आना है। ये टीज़र है, पहली झलक होती है, तो उसमें थोड़ी सी एक क्लू होता है कि फिल्म क्या होगी या कौन कौन लोग उसमें नज़र आ रहे हैं। कुछ अच्छा, ये जायद अहमद की लगता है पहली फिल्म है। मेरे ख्याल से बिल्कुल शायद, क्योंकि वो सिलेक्टिव सबा रोल्स करते कमर पे हैं। पहले कर चुकी है बिल्कुल 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 फिल्म, ऐसा ही। बल्कि इंडिया में भी कर अच्छा वैसे चुकी ये है। टीज़र टीज़र से बहुत सारी चीज़ें वाजी नहीं होती। आपको वैसे कैसा लगा? मुझे पता एक एक चीज़ का मुझे पता कि जो इनको सबसे ज़्यादा अपील करनी भी थी, मुझे पहले ही पता था, वो था सुहेल अहमद साहब का हाँ बिल्कुल, आना। हमारे तो डायरेक्टर भी हैं और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मंजे हुए अदाकार भी हैं। बिल्कुल और अब मतलब कोई भी मीडियम उठा के आप देख लें, स्टेज से लेके ड्रामा, फिर टॉक शोज और फिल्म्स, बिल्कुल हर मीडियम में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और यही एक डेफिनेटली अदाकार बिल्कुल की जो है वो पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा सुहेल अहमद साहब जो हैं वो लाइफ टाइम मैं कहता हूँ कि ही लेजेंडरी हमारे लिए। लेजेंडरी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो अच्छा, एक तो उनका तो होना अच्छा है, सबा कमर का भी। तो इतने इसको भी स्टोरी की समझ नहीं आ रही, क्योंकि टीज़र है, झलकी है, तो इतना कुछ वो जिस इसमें। तरह हाँ मूवी की जल्दी जल्दी वाले हाँ फ्लैश बिल्कुल बैक्स होते हैं वो। बिल्कुल टीज़र इज के लाइक अनाउंसमेंट के उसमें क्या होगा और हाँ, किस लेकिन तरह की इसमें ये चीज़ें। कास्ट बड़ी अच्छी है। और दूसरी बिल्कुल बात, ये वही वाली बात कि अब नए चेहरे जो है वो फिल्मों में आना शुरू हो गए बिल्कुल हुए हैं। जबरान जो है वो मेरा ख्याल बिल्कुल है इसमें डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में। मेरे हसन की भी पहली शायद फिल्म है, हाँ बिल्कुल, ऐसा उनकी ही भी है डेब्यू फिल्म है। अगर और आप शायद उन्होंने पहले कुछ की हो। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी फिल्म एक्ट्रेस की, अभी भी एक और भी फिल्म है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले रिव्यूज़ में, उसका कोई उसकी मार्केटिंग नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमाज वो फिल्म चल रही है, हाँ वो जुनेद की फिल्म है। जो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, आप भी उनके काफ़ी ड्रामास हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी। तो उनकी एक फिल्म आई है, लेकिन कुछ उनकी मार्केटिंग अभी, लेकिन ये ईद उल फितर पर आनी है पहले ही इसका टीज़र, तो एक अच्छी बात है। अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी टीज़र्स इनके ट्रेलर्स जो हैं वो सामने आएंगे। आप लोगों ने अभी तक देखा कि नहीं, तो जाके जियो फिल्म्स के आप चैनल पर भी, और जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके भी ये वीडियो देखें, उनको भी सपोर्ट करें उनके कंटेंट को। और पाकिस्तानी मीडिया की बात हो रही है, डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना बनता है। तो और इसके आप अलावा जो है वो मैं एक बात है जो मेरी तरफ, जियो फिल्म बिल्कुल बना रहा है एयर उन्होंने कहा वाई। ये वाले बनाते हैं तो हम पीछे रह हम बना, और ये जाए। अच्छी चीज़ है, मतलब हाँ सैनमा जियो जो है पहले भी वो फिल्म्स वापस करता आ है, रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन जियो थोड़ा सा मुझे ये थोड़ी सी नाउम्मीदी हो जाती है हमेशा। इनकी फिल्म्स काफ़ी हिट नहीं हो पाती, पहले भी कुछ हाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सजल अली के साथ, हालांकि सजल अली और फिरोज खान दो बड़े नाम हैं, उनके साथ जो फिल्म बनाई हाँ जिंदगी कितनी हसीन है, तो वो उसकी, फिल्म या का तो मेरे कारोबार ख्याल है कि हसीन नहीं हो हाँ, और वो सका। उसकी पब्लिसिटी मेरे ख्याल है उस तरह से नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे भी मतलब एक आध जगह पे कहीं उनकी अपने चैनल पे अगर हम कहें तो वो कहीं बिल्कुल नज़र आई, अदरवाइज कोई शहर में पोस्टर्स या बैनर्स और या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। जिस बिल्कुल तरह अभी रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ी, मैं तो हेट ही कहूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ज़्यादा लोग, जब हम सिनेमा में गए थे, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो रिसेंटली हमने जन फिल्म देखी है बिल्कुल खेल खेल में खेल खेल में, और उस बिल्कुल पर जिस तरह की अच्छी मूवी बनी है उस तरह की ऑडियंस वहाँ पे नहीं थी। और उसकी भी सबसे जो मेन चीज़ मुझे नज़र आती है वो यही है कि उसकी
पब्लिसिटी इस तरह से नहीं की गई है, आप क्या कहते हो? हाँ, उसमें एक अब उन्होंने वैसे पाकिस्तान के जितने बड़े शोज हैं उनको उन पर आए भी हैं, मजाकरात में भी वो लोग आए, उनका वहाँ भी इंटरव्यू कोशिश उनकी थी। मेरे ख्याल से मार्केटिंग जब प्रमोशन के लिए टाइमिंग कम थी, मिसाल तो 10 से 15 दिन के अंदर ही ट्रेलर भी आया और रिलीज भी हो गई। अब मेरे ख्याल से इतनी करोड़ों की आवाम हो और हो भी माशाल्लाह काहिलों से भरी हुई, तो फिर उन तक पैगाम पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल उस चीज़ में थोड़ी सी कमी। असल में एक और चीज़ भी है ना कि सिनेमा कई लोग भूल चुके हैं, अगर सिनेमा भी कभी होता था 3 साल का गैप। हाँ, वैसे भी उनके लिए रिस्क था क्योंकि एक 2 साल बाद कोविड के बाद पहली फिल्म का रिलीज होना, तो रिवाइवल ही इसको हम कंसिडर करेंगे किस सिनेमा का, तो उसमें थोड़ी मुश्किल तो उनको पेश आनी थी डेफिनेटली, और इसके लिए बड़ा टफ टाइम होगा। मैं समझता हूँ कि इनको बड़ा अच्छी फिल्म पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से ज़्यादा जो है ना वो अच्छी फिल्म लानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आप तो आपको इस टीज़र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फीडबैक हमें आपने लास्ट में देना कमेंट सेक्शन में। हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ, और फिर देखते हैं उस वीडियो में आपको आपके लिए हम क्या लेकर आने। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।